स्कूल पोषण आहार और मदद निस कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर 18 दिसंबर 2023 को नागपुर शीतकालीन सत्र पर आईटक राज्यव्यापी निवासी मोर्चा ने दस्तक दी। आइए डालते एक नजर क्या है आईटक कर्मचारियों की मांगे। मैं कॉमरेड राजू देसले, आईटक राज्य सचिव महाराष्ट्र। पूरे महाराष्ट्र में 20 नवंबर से कोल्हापुर से यात्रा की शुरुआत हुई है और 18 तारीख नागपुर में आईटक की बड़ी मोर्चा से आईटक का जनजागरण यात्रा का समारोह कर रहे हैं। ये यात्रा का मकसद है जो योजना कर्मचारी है उनको 26,000 रुपये किमान वेतन, आशा गट प्रवर्तक, आयुषकालीन स्त्री परिचर्च और उम्मीद हो, ग्राम पंचायत कर्मचारी हो, सबको मिलना चाहिए। देश के केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो कामगार कर्मचारियों के विरुद्ध जो कानून बनाए वो महाराष्ट्र में लागू होना नहीं चाहिए। देश में जो कुछ खासगीकरण का काम चल रहा है, कंत्राटीकरण हो रहा है, जो कंत्राटी मजदूर है, योजना कर्मचारी है, सबको सोशल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। सब महिला जो काम कर रहे योजना कर्मचारी में उनको सोशल सिक्योरिटी दो, उनको पेंशन, मिनिमम वेजेस मिल गए 212, वो सब अपने मांग लेके यहाँ पे आइए, ये मांग हमारी पूरी करो, नहीं तो 2024 में भाजपा सरकार चले जाओ का नारा हमने दिया हुआ है। जो बात हम मंत्री से करेंगे, जो आशा के करोड़ तक का संप हुआ, जो मांग है उसका जीआर निकल रही है, वो जीआर निकलना चाहिए। आंगनवाड़ी कर्मचारियों को, शासकीय कर्मचारी का, ये सब मांगे हम 6 मंत्री से मिलेंगे, सीएम से मिलेंगे, बात करेंगे, बात हुई, अच्छी बात हुई तो निकल जाएंगे। हमारी मांग पूरी नहीं हुई थी, हम बेमुदत यही पे बैठने वाले है। We'll be right back.